हे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ILC और TCC के बीच में जो अगला T20 का मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ILC और TCC की टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस खेले हैं सारे मैचेस को कवर करेंगे भाइयों। बैटिंग ऑर्डर आपको बताएंगे कि कौन से प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर किस प्रकार रहेगा, कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए किसे लेना सही रहेगा, सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट के लिए इस वीडियो को एक बार शुरू से जरूर तक अंत तक वॉच करना दोस्तों, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए और आप एक शानदार से शानदार टीम बना पाओ। वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पे नए हैं भाई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे 30,000 से भी अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जो आपको दोस्तों फाइनल टीम लाइनअप के बाद सेंड कर दिया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मैच है एमडन क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा। यहाँ का पिच कंडीशन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मतलब एक बैलेंस पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच थोड़ा सा कह सकते हैं, जो बल्लेबाजों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फिर भी अगर आप देखेंगे जिस प्रकार मैचेस हुआ है ILC का, जहाँ पर 56 का टारगेट दिया था, पूरे 10 विकेट चुके थे ILC का, लेकिन CTC की बात करेंगे तो इस रन को चेस कर लिया था, देख सकते हैं, इस वजह से ILC को लॉस हुआ है। बहुत कमजोर टीम नजर आई थी दोस्तों पहला मुकाबले में, जिस प्रकार यहां पे हारा है ILC की टीम। लेकिन TCC की बात करते हैं तो TCC की टीम दोस्तों यहाँ पे 162 रन यहाँ पे TTC की टीम ने बनाया था। TTC की टीम ने 162 रन पहले बल्लेबाजी करते बनाया था, लेकिन TCC की टीम ने इस रन को चेस नहीं कर पाए थे और इस टीम को भी यहाँ पे लॉस हुआ। यानी कि दोनों ही टीम अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक एक मैच लॉस करते हुए आए हैं। यहाँ पे अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो दोस्तों जो यहाँ पे इंडियन क्लब यानी कि ICL का यहाँ पे जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा, आपको यहाँ पे परवेज मुशर्रफ खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि टीम के ओपन करते हैं। पहले मैच में ओपन करते हुए 1 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं, 7 रन खर्च किए थे पूरी 2 ओवर की गेंदबाजी में। बहुत शानदार पिक रहेगा, इनको पिक कर सकते हैं। प्रदीप सरकार जो कि ओपन करते हुए 9 रन स्कोर कराए, ये भी टीम का ओपनर बल्लेबाज है। शमिक दास की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है, 1 ओवर तक बॉलिंग भी इन्होंने करा था। बाकी बात करते रॉयल जोमियाल के बारे में दोस्तों, जो 4th राउंड खेलते हुए 3 रन स्कोर कराया है। शुभजीत पॉल जो कि दोस्तों 1 ओवर पे 1 विकेट निकाले हैं, 2 ओवर गेंद सेकंड राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 8 रन स्कोर कराए, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। प्रशांत कुमार जो कि 3rd राउंड पे खेलते हुए 11 रन बनाया है दोस्तों। बाकी बात करते हैं यहाँ पे डेका के बारे में, जो कि 1 ओवर पर कोई विकेट निकाल पाए थे, 1 रन बनाए थे, इनको ड्रॉप कर सकते हैं अमर को। बाकी बनिक की बात करते हैं, बनिक 9 नंबर पे बल्लेबाजी करा था, बैटिंग से 1 रन बनाए थे, बॉलिंग से फ्लॉप रहा था। शेखर की बात करते दोस्तों, शेखर बर्मान जो कि 7 नंबर पे खेलते हुए 9 रन बनाए थे, यहाँ पे भी कोई विकेट नहीं मिला, 2 ओवर गेंदबाजी कराए इन्होंने। और यहाँ पे अरमान खान को भी ड्रॉप कर सकते, जो कि इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। तो ये है ICL का रिकॉर्ड जो आप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा ICL का। लेकिन TCC की बात करते हैं तो TCC का बैटिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे शयन बनर्जी खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि टीम के कैप्टन है। 3 ओवर तक गेंदबाजी कराया, 2 विकेट निकाले इन्होंने, बहुत शानदार बॉलिंग रहा था। हालांकि बैटिंग बहुत लेट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको बॉलिंग कंप्लीट ओवर करते हुए दिखेंगे, जरूर पिक करना। बाकी शिवंकर घोष की बात करते हैं तो ओपन करते हुए इन्होंने 0 रन पे आउट रहते हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों ये जो प्लेयर है ना, आपको टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी रोहित सेन जो कि विकेट कीपरिंग में आपको 2nd राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, 15 रन स्कोर करा है। राजा की बात करते हैं तो 5 रन पे खेलते हुए इन्होंने दोस्तों 6 रन बना के 1 विकेट निकाला, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, जो आपको बल्लेबाजी ठीक ठाक मतलब मिडिल ओवर पे और गेंदबाजी कंप्लीट ओवर करते हुए दिख जाएंगे। बाकी सम्राट विश्वास की बात करते हैं तो 4th राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए 14 रन स्कोर कराए, कोई विकेट नहीं मिला है। प्रेम चौहान जो कि यहाँ पे बैटिंग से फ्लॉप, बॉलिंग से 1 विकेट निकाला इन्होंने। उत्तम ईश्वर की बात करते दोस्तों, ये जो प्लेयर है 10 नंबर पे खेलते हुए 4 रन बनाए थे, कोई विकेट इनको नहीं मिला है। यहाँ पे अर्नब जो कि ओपन करते हुए दोस्तों यहाँ पे 2 रन स्कोर कराए इन्होंने। शुभम दास जो कि 2 रन बना के 2 विकेट निकाला, ये भी एक अच्छे गेंदबाज, इनको ले सकते हैं। बाकी इनको ड्रॉप करो और मंसूर अली को जरूर ट्राई करना, जो 1st राउंड पर खेल रहे हैं और 28 रन स्कोर करा है पहले मैच के अंदर। तो ये दोस्तों ICL का बैटिंग ऑर्डर है जो आप देख रहे हैं, मतलब दोनों ही टीमों का बैटिंग ऑर्डर आपने देखा। अब आपको इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप रख सकते हैं भाइयों, अपने टीम को बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिला सकते हो। बाकी मैंने आपके लिए एक टीम बना के रखा है, जिसमें से विकेट कीपर मंसूर को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा,
और यहाँ पे बैटिंग में बात करोगे दोस्तों तो बैटिंग में तीन खिलाड़ी को ले रखा है, पी सरकार, एस नंदी और एस घोष को मैंने ट्राई करके रखा है जो बहुत बढ़िया प्लेयर है। ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो दो दो खिलाड़ी को मैंने दो टीम से ट्राई करके रखा है, जहाँ पे दोस्तों एस बनर्जी को कैप्टनसी के लिए मैंने रखा है और पी मसरूफ को अपने टीम में दोस्तों वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करूँगा जो बहुत अच्छा पिक रहेगा। बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो ये तीन बॉलर को मैं अपने टीम में ले रहा हूँ जो कि कंप्लीट आपको यहाँ पे चार चार ओवर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। तो ये जो टीम है भाइयों इसको आप लोग सेव कर लो और लाइनअप का वेट करना, इस मैच का फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो। जिसने ज्वाइन नहीं करा इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।